सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को ऑटो रिसर्च बुक ऐप का यूज करके कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड चेंजिंग यानी कि फुल सीव एडिटिंग आप लोगों को सिखाना मालूम। ओके, सो ये वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। सो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए, और मुझे इंस्टा पे भी जाकर फॉलो कर लेना। इंस्टा आईडी का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए वीडियो के ऐप पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को फोटो को ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वाला फोटो को शेयर करके ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे फोटो ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को फोटो को ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ओपन कर लेने। अब आप लोग को ये वाला फोटो का बैकग्राउंड को कट कर लेना है यानी कि इरेज कर लेना है। सो बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का सामने बहुत सारा ब्रश ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर की तरफ आके आप लोग कुछ इस टाइप का ब्रश देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर से वाला ब्रश यानी कि हार्ड इरेजर ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जाना है सेटिंग पे। सेटिंग को आप लोग को इतना ही रख लेना है। आप लोग को साइज को फोटो के हिसाब से रख लेना है यानी कि कम बड़ा के इरेज कर लेना है। एंड इसका अमाउंट को आप लोग को 100 ही रखना है। एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ एंड आप लोगों को भी इस टाइप से ही बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। ठीक है, सो इसी टाइप से आप लोग को बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। यहाँ पे देख सकते कितना परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। ओके, आप लोग को लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। ओके, लेयर वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को बैकग्राउंड का एक्स आइकन। इसका ऊपर में आप लोग को आई का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है यानी कि आई को बंद कर देना है। एंड यहाँ पे देख सकते बैकग्राउंड हो गया गायब यानी कि यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अब आप लोग को किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो ये वाला फोटो के अंदर। सो बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। इस वाला टूल के अंदर क्लिक करने के बाद ऐप मिल जाएगा आप लोग को इनपुट इमेज। ओके, इनपुट इमेज पे क्लिक करना है एंड ऐसे आप लोग को बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। सो ये वाला बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो ये वाला बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आप लोग इसको सही तरीके से एडजस्टमेंट करना है इसी टाइप से। एंड इस टाइप से सही तरीके से एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक कर लेना। आप लोगों को फिर से लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। आप लोग को ये वाला बैकग्राउंड को मॉडल का लेयर के नीचे रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। सो इसी टाइप से आप लोग को बैकग्राउंड को ऐड करना है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आप लोग को ये वाला मॉडल का आप लोग को इसका शर्ट का कलर को चेंज कर लेना है यानी कि सीवी जैसा करना है। एंड जाना आप लोग को इस वाला टूल के अंदर। एंड ऐसे आप लोग को जाना है लाइब्रेरी में, थोड़ा सा नीचे को जाके आप लोगों को कुछ इस टाइप का ब्रश देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर से आप लोग ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। जाना है सेटिंग पे, आप लोगों को सिर्फ साइज को कम बढ़ा के कर लेना है यानी कि ब्रश। एंड जाना है कलर्स वाला आइकन पे एंड यहाँ से आप लोग किसी भी कलर को सिलेक्ट कर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट कर लिया। ओके, एंड आप लोग को जाना है लेयर वाला आइकन पे एंड यहाँ से आप लोग को प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, एनी वाला लेयर के ऊपर क्लिक करके आप लोग को जाना है इसका ब्लेंड टूल के अंदर एंड इसको कर लेना है आप लोग को ओवरले। आप लोग को सिंपली ओवरले को ढूंढ लेना है एंड यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को ओवरले। ओवरले पे आप लोग क्लिक करना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को कलर को सिलेक्ट करके ब्रश कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते सीबी जैसा इफेक्ट आ रहा है फोटो के अंदर। सो इसी टाइप से आप लोग कलर को कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट ये वाला कलर को कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो फोटो के अंदर सीबी जैसा कलर ऐड हो चुका है यानी ये वाला फोटो एडिटिंग अभी से सीबी एडिटिंग लग रहा है। अब आप लोग को काम करना है, एक आप लोग ये वाला फोटो का हेयर को एडिट कर लेना है। सो फोटो का हेयर को एडिट करने के लिए आप लोग इस वाला लेयर का आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड मॉडल का लेयर को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, मॉडल का लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इस वाला ब्रश टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड आप लोग को जाना है लाइब्रेरी में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके आप लोग कुछ इस टाइप का ब्रश देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर से आप लोग ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है एंड जाना है सेटिंग पे। सेटिंग का साइज को आप लोग फोटो के हिसाब से रख लेना है यानी कि फोटो के हिसाब से आप लोग कितना ज़्यादा अच्छा तरीके से करोगे आप लोग फोटो के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लेना है। सिर्फ आप लोग को इसका फ्लो को रख देना है 90% एंड इसको भी आप लोग को 90% ही रखना है। ओके, सिर्फ साइज को फोटो के हिसाब से रख लेना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को ब्रश कर लेना है हेयर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे हेयर के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा साइज को ज़्यादा ले लेता हूँ। ठीक है,
एंड इसी टाइप से आप लोगों को ब्रश कर लेना। तो मैं यहाँ पे इसका हेयर को फटाफट एडिट कर लेता हूँ एंड वीडियो को भी हल्का सा फास्ट कर लेता हूँ। सो इसी टाइप से आप लोगों को हेयर को एडिट कर लेना, ठीक है। सो परफेक्ट तरीके से आप लोगों को हेयर को एडिट कर लेना थोड़ा सा टाइम देके। एंड आप लोगों को मैं शेप दिखा दिया कैसे आप लोगों को हेयर को एडिट कर लेना है। सो आप लोग जिस स्टाइल पे हेयर एडिटिंग करने वाले हो वही स्टाइल पर आप लोग हेयर एडिटिंग कर सकते हो यहाँ पे, ओके। अब आप लोगों को बताऊँगा आप लोग फेस को कैसे स्मूथ कर पाओगे। फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोगों को फिर से इसी वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना, यानी कि ब्रश टूल के अंदर। एंड इसके अंदर से आप लोगों को लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर लेना है, इसका ऊपर में ही ये वाला ब्रश को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना फेस को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। जाना इसका सेटिंग पे, सिर्फ साइज को आप लोग फोटो के हिसाब से रख लेना। एंड ये दोनों टूल्स को आप लोग को इतना ही सेटिंग रखना है, ठीक है। साइज को आप लोग फोटो के हिसाब से रख लेना। एंड कुछ स्टेप से आप लोगों को सिर्फ फेस के अंदर ब्रश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पूरा ही फेस के अंदर ब्रश कर लेता हूँ, वीडियो को भी थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। सो इसी टाइप से आप लोगों को परफेक्ट तरीके से फेस को स्मूथ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते कितना बढ़िया तरीके से फेस स्मूथ हो चुका है, ठीक है। फेस को स्मूथ करने के बाद अगर आप लोगों को लगे भाई फेस ज़्यादा ब्लैक टाइप का है, इसको आप लोगों को व्हाइट करना है, तो फेस को व्हाइट करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। एंड ये वाला लेयर के ऊपर क्लिक करना है आप लोग को। एंड जाना है आप लोग को ब्लेंड टूल के अंदर। एंड इसके अंदर से आप लोग को सॉफ्ट लाइट को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो आप लोग को सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर लिया। एंड आप लोग को जाना है कलर्स वाला आइकन पे। एंड आप लोग व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ओके। एंड जाना आप लोग को ब्रश टूल के अंदर। एंड इसके अंदर से आप लोग को लाइब्रेरी में जाना है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके आप लोग को कुछ इस टाइप का ब्रश देखने को मिलेगा। इसके अंदर से आप लोग को एयर ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे एयर ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जाता हूँ उसका सेटिंग पे। सेटिंग को आप लोग फोटो के हिसाब से रख लेना। एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को ब्रश कर लेना फेस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा ही फेस के अंदर ब्रश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फेस को व्हाइट कर लिया। अगर आप लोग को लगे भाई ज़्यादा व्हाइट हो चुका है तो आप लोग इसको बाद में एडजस्ट भी कर पाओगे, यानी कि आप लोग को लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। वाला लेयर का आप लोग को ऑपेसिटी को कम कर लेना है, ठीक है। फोटो के हिसाब से आप लोग को ऑपेसिटी को रख लेना है। एंड यहाँ पे देख सकते इसका फेस भी व्हाइट हो चुका है। एंड इसका शर्ट का कलर भी चेंज हो चुका है सीबी जैसा। एंड इसका हेयर भी एडिट हो चुका है, फेस भी स्मूथ हो चुका है, बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग पूरा ही एडिटिंग हो गया कंप्लीट। फोटो को सेव करना है। फोटो को सेव करने के लिए आप लोगों को इस वाला टूल के अंदर क्लिक करना है। एंड गैलरी के अंदर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है गैलरी के अंदर, ओके। सो ये वाला वीडियो इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।